दुनिया की बातें सुनने और निकालने के लिए होता है। जी जी बोलिए, मैं सारी बातें आपके सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर कट्टा लेने आए हैं? हाँ, हमारे पास बहुत सारे कट्टे हैं, वो छोटे वाले भी हैं और बड़े वाले भी हैं। जी जी आपको किस तरह का कट्टा चाहिए वैसे? अच्छा, वो जिसके अंदर हम सारा सामान डालते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे कट्टे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला कट्टा। ये बेसिकली इसके अंदर भी हम बहुत सारा सामान डालते हैं और इंसानों को ये ऊपर पहुंचाने के लिए होता है। आपको ये ऊपर जाना है तो आप बता सकते हो, वैसे ठोक देंगे। तो ये जो गन है, ये शायद आज से मैंने 3 साल 4 साल पहले खरीदी थी, जब मैंने 5-6 लोगों का कत्ल किया था। हाँ यार, बहुत परेशान कर रहे थे, गली में हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जाके ठोक दिया। अब क्या करें, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को बर्दाश्त तो नहीं कर सकते ना। अब बाकी आप लोग तो मेरे नीचे जा नहीं रहे कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप चाहते हैं कि आप किसी को टपकवाना चाहते हैं, मतलब किसी को उड़ाना चाहते हो? बिल्कुल, हम सुपारी भी लेते हैं लोगों की। अच्छा, किसी की दिलवानी है सुपारी? बोलिए। नहीं वैसे सुपारी हम लेंगे कुबेर वाली जो होती है ना, हाँ मीठी मीठी वाली, हम वो वाली लेंगे सुपारी। तो कहिए किसको उड़ाना है? ना बोलिए। अच्छा, ठीक है, उसके आगे बताइए। ठीक है, दुश्मनी बताइए, दुश्मनी कैसी है? अच्छा, गल अच्छा एक्स ने धोखा दे दिया। नहीं, यहाँ पर हम किसी भी एक्स को नहीं टपकाते, ये हमारी कंपनी का उसूल है, क्योंकि एक्स की जो बददुआएं होती हैं ना वो बहुत चुभती हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, अब उसकी बददुआ लेके हम अपना ये काम धंधा तो नहीं चला सकते। जी बिल्कुल, आप उसके अलावा किसी को भी टपकवा लीजिए, मैम बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, एक भी बार भी ठोक देंगे सीधा। तो आप बताइए फिर किसी और का नाम, क्योंकि हम एक्स को नहीं ठोकते। अच्छा, आपके एक्स का भाई, नाम बोलिए उसका। कौशल? अच्छा तो फिर ठीक है, हो जाएगा काम आपका। ये आप ये बना चाहते हो तो ये वाली एक बंदूक सही रहेगी या कुछ और, किसी और तरीके से? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये आपकी बम मिसाइल, इसको लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था, आपकी सलमान खान भाई को दिया था मैंने, ये उन्होंने ये रेस्तरी में यूज़ किया था। हाँ, वो इसी में से गोलियाँ निकली थी, तो हम इससे भी उड़ा सकते हैं उसको। अच्छा, और भी प्रोडक्ट चाहिए? हम आपको अपने प्रोडक्ट गिनवाए थे कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट रख पल। ये आपको ये क्या दिख रहा है? ये सेल्फ स्टिक? नहीं, सेल्फ स्टिक नहीं है वैसे, लेकिन ये जो है ये बंदूक है, देखिए। ये आपकी बंदूक बन जाती है ये लोगों को ना पागल बनाने के लिए। ये तो सेल्फी स्टिक है, लेकिन इसकी आड़ में हम खट्टा सप्लाई करते हैं, किसी को पता भी ना चले। हमारे पास ये भी है, लोगों के नॉर्मल लकड़ी लगती है, लेकिन अगर आप इस हाथ से पकड़ोगे तो ये बन जाता है खून पीने वाला खंजर, और आप किसी को भी खपक, तो ये इस काम भी आता है। पर ये बहुत ज़्यादा महंगा है, ये शायद आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, पर कोई नहीं, हम आपको और भी प्रोडक्ट दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रायल फ्री है बिल्कुल, आप चाहो तो मैं ये सारे प्रोडक्ट आप पे भी यूज़ करके आपको ट्रायल दिखा सकता हूँ। जी, यह है हमारी बम्पोडो कैलकुलेटर मशीन। ये लोगों को लगेगा कि ये कैलकुलेटर है, लेकिन नहीं, जब आप इसको ये वाला बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ से ना लेसर लाइट निकलेगी, और जो
उससे वो अंधे हो सकते हैं। हाँ मैं एक बार आपको डाल के दिखाता हूँ। अरे नहीं, एक बार ट्राई तो कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये भी है हमारे पास। जैसे आप किसी की भी आंखों में डालकर उसको अंधा कर सकते। क्या आप कैसे कैसे ट्राई करना चाहते हो? जी कोई नहीं कोई नहीं, अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो ये है। लोगों को लगेगा कि ये तो आंखों में देखने वाला है, पर नहीं, जब इसके अंदर कोई बंदा ऐसे जागता है यूं करके, तो उसकी आंखें जो हैं इसके अंदर ही रह जाती हैं, समझे? मतलब वो एक आंख से ना अंधा हो जाएगा, उसकी एक आंख से यूं करके अगर करता है वो, तो उसकी एक आंख उसी के अंदर घुसी रह जाती है। ये तो हमारे पूर्वजों ने आविष्कार किए थे, जो हमने दुबका के रखे हुए हैं सरकार से भी, क्योंकि सरकार आएगी तो हमसे इतने आधुनिक हथियार ले जाएगी, तो हम इन्हें देना नहीं चाहते। हमारा वंश भी तो चलना चाहिए ना। हाँ उसके बाद हमारे पास और भी सारे कट्टे वट्टे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्या दिख रहा है? ये कंघा? ये कंघा नहीं है, यह है अकड़ू पकड़ू मशीन। इसको आप यूं पकड़िए और किसी के सर पे दो 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 तीन चार बार मार दीजिए, वो इंसान वहीं बेहोश हो जाएगा। इसकी इतना स्ट्रांग है ये, तो ये भी हथियार है वैसे, लोगों को पता नहीं चलता। लोग देखते हैं यहाँ पर आके और ऐसे अपने बाल काट के चले जाते हैं, उन्हें क्या पता है ऐसे करके ये हथियार भी बन सकता है। उसके बाद आता है हमारा ये स्प्रे बॉटल मशीन। लोगों को लगता होगा कि ये स्प्रे करने के लिए शू 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 शू, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है इसके अंदर हमने भर रखा है आयु पेट्रोल। ये ऐसा पेट्रोल है कि अगर आप किसी की भी आंखों में मार दो तो उसकी आंखें मिनट से पहले बहुत तेज हो जाएंगी, और तेज को इतनी ज़्यादा तेज हो जाएंगी कि उसको हर तरह से बहुत दूर दूर का पास दिखने लगेगा, जिसकी वजह से वो पागल हो जाएगा। ये स्मार्ट तरीका वैसे, पर ये थोड़ा महंगा भी है वैसे। अच्छा कोई नहीं, आपको मैं कुछ जुगाड़ दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये जो तो बॉल है ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सी बॉल है, पर नहीं, ये नॉर्मल बॉल नहीं है। ये एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक गधा घूम रहा था, हाँ, पर वो दो पैरों पे चलता है, तो उसको हमने लिटा कर और ये दो बॉलें निकाल ली। ये दो बॉलें आंखों की हैं वैसे। जी आप बहुत गलत समझते हैं, आपकी सोच बहुत ही गलत है। तो ये फिर ये वैसे कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर इसको आप किसी को अगर टपकाना चाहते हो तो ऐसे धड़ुम 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 ऐसे कर दीजिए, और वो इंसान टपकेगा तो नहीं, पर हाँ अगर वो इंसान बच जाता है तो आपको बचने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उठा के अद्धा मार सकता है। तो ये भी ख्याल रखना पड़ता है ना कि मतलब अगर हम किसी को मारना जा रहे हैं और वही उल्टा में उठा के पटक दे तो ऐसा बुरा हो सकता है। ऐसे इंसिडेंट भी ना याद रखने चाहिए वैसे लाइफ में ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको और भी प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला। इस प्रोडक्ट में आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या है? ये आपको एक नॉर्मल, ये नॉर्मल सीजर नहीं है, इसके अंदर लगाया है हमने आयुधा वाला शहर। इसको जैसे कोई इंसान ऐसे अपनी दाढ़ी काटता है कुछ ऐसे कुछ करके काटेगा, तो उसको शहर जो है यहाँ लग जाएगा और वो शहर उसके शरीर के अंदर घुस जाएगा, जिसके बाद वो इंसान आई पिक्चर का हीरो बन जाएगा। फिर आई पिक्चर का हीरो बनने के बाद
इंसान ऐसा टेढ़े हो जाएगा, तो इसलिए यह हथियार बहुत ही कीमती है जी। अब मैं आपको एक और हथियार दिखाता हूँ। चलिए, कोई और इंसान आया ऐसा तो उसके साथ भी यही होगा।